किसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। नमस्कार, हिंदी में जानकारी के लिए एक डायल करें, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक दबाएं, अंतर्राज्य यात्रा के लिए दो दबाएं, आगमन एवं प्रस्थान संबंधी जानकारी के लिए दो दबाएं। आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, कृपया लाइन चालू रखें। नमस्कार। ये मैडम। हाँ जी। ये किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को? सर, मैं जान सकती हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे परसों टिकट लिया था, परसों मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई। सर, फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? कोई चेक नहीं करना है आपको, आप मेरे को ये बताइए फ्लाइट आपकी दिल्ली टू मुंबई कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में? 1 घंटा 40 मिनट। तो मेरे को कब पहुँचाओगे आप? मैं समझी नहीं। मैं परसों वहाँ से हमने टेक ऑफ किया है, एक सेकंड रुकिए, आप ये अनाउंस पॉइंट को भी राइट साइड बता दीजिए। कुर्सी के पेट सीधे रखे और खिड़की का शटर ऊपर करें। क्या सीट बेल्ट बांधो यार, कम से कम उतारो तो सही। सर, मैं जान सकती हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी हवाई जहाज में ही हूँ, अभी लैंड कहाँ किया, परसों उड़े थे हम दिल्ली से। कहाँ पे हैं सर आप अभी? मेरे को पता नहीं है, अभी तो जहाज में ही है, शायद नीचे बादल है, अभी पता नहीं है हैदराबाद है क्या है, मुंबई उतार रहे हैं कहाँ उतार रहे हैं, लेकिन ये लैंड क्यों नहीं हो रहा है यार, कितनी लंबी जर्नी हो गई। सर, आप एयरक्राफ्ट से फोन करें। और क्या करें भाई, आप ये 2.5 दिन हो गया, कब उतारोगे भाई मुंबई में? आप ऊपर मोबाइल यूज करें। तो क्या करूं, बैठे बैठे थक गया मैं। आप जरा मेरी बात करिए क्रू में किसी से। हाँ जी, आपसे बात करने के लिए बोल रही हैं। या दिस इज कैप्टन। कौन बोल रहे हैं आप? दिस इज कैप्टन नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची, एंड इनको लैंड करवाते हैं अभी यार, 2.5 दिन हो गए। किसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो। हेलो, मिल गया। हेलो भारती। हाँ जी। राजेश, राजेश के पापा हैं हम, राजेश के पिताजी। आपका, मैं बता दूं, आपका प्रोफाइल मुझे ये भटनागर जी ने आपका प्रोफाइल दिखाया था बेटा। अच्छा जी। हाँ जी। तो बेटा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे मतलब लड़के में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन ये है कि हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। और मम्मी पापा ठीक हैं बेटे? हाँ जी। राजेश के लिए हमने सोचा था कि राजेश ने आपका प्रोफाइल देखा है, वो बहुत पसंद करता है वो, और मिलना चाह रहा था एक बार आपसे। क्या करते हैं राजेश? राजेश, राजेश सीए है बेटा। सीए है? That's great. हाँ, और क्योंकि वो अपनी माँ का मतलब मेरी वाइफ का ही डिसीजन था, मेरी वाइफ ने ही ये कहा था भाई जो मेरी लाइन है वही लाइन तू यूज, तू चूज कर। तो आंटी क्या है? आंटी भी सीए हैं। सीए हैं आंटी। तो आप भी सीए हैं? नहीं, मैं सीए नहीं हूँ, मैं तो कटाई पे हूँ, मैं कटाई पे हूँ, क्योंकि ये दोनों सीए हैं, क्योंकि वो सारी सीने लगेंगे तो फिर काटने वाला बंदा भी तो कोई होना चाहिए, तो जितने पुराने कपड़े ऐसे आए ना, तो ये दोनों सीए हैं, ये बैठ के सीते रहे सीते रहे। मैंने कहा मैं कटाई पे रहूंगा, तुम दोनों सीओ। मैंने कहा यार कौन है तू बैठ? नहीं, मैं तो सीऊंगा ना, मैं अब ये सारे सीए हैं क्या, सारे सीमे तुम ये चाहो? नहीं, बात तो सुनो, नवेद बोले रेडियो मिर्ची से काली मत दो। अरे यार फोन तो मिर्ची मुर्गा नवेद के। किसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। हेलो। हेलो, रहमान पेंटर बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अभी मेरे को आपसे एक बोर्ड बनवाना था। हेलो। हाँ, बन जाएगा जी, बन जाएगा। रहमान जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आपके चार्जेस क्या होते हैं बोर्ड्स के? जैसे नंबर प्लेट का तो मुझे किसी ने बताया था, आप शायद 500 रुपए लेते हो नंबर प्लेट का। हाँ। और बाकी जो बोर्ड अगर हमें लगवाना है, हाँ, तो क्या चार्जेस होते हैं उसके? किस हिसाब से वो बनाएगा, क्या कैसे क्या होता है वो, उस हिसाब से होगा ना, क्या जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से बनेगा वो। तो
अच्छा अच्छा नहीं नहीं नॉर्मल बोर्ड ही बनवाना है, उसपे वो लिखवाना है बुरी नजर वाले। बन जाएगा, बन जाएगा। क्या क्या बनवाना है आपको? नहीं उसपे काले बोर्ड पे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये तो है बोर्ड हमारे पास रखा है। ना 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 रहमान जी, ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं, तो फिर बुरी नजर वाले यू आर वेलकम है? बुरी नजर वाले यू आर वेलकम, ये आपका स्वागत भी कर सकते हो आप, आपका स्वागत है। कहाँ लगाना है हमारा? ये मैं शर्मा ऑप्टिकल से बोल रहा हूँ, हमारा आई सेंटर है, तो जैसे आंखें वाखे खराब होती है ना, कम दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद है, नजर बुरी है, तो यू आर वेलकम। भाई मान गया मैं तो, आपकी दुकान पे यही लगना चाहिए, यही बनवा लो। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ थैंक यू। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट। हेलो हेलो, हाय इज दैट सुरजीत? हाँ जी बोल रहे हैं। या आई एम मार्क, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द कनाडियन एम्बेसी। कौन बोल रहे जी? Hello, this is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? ਕਿਤਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਸਰ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੇ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਸੋ ਆਮ ਆਮ ਗੋਇੰ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ ਸ਼ਾਰਟ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਰੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਵੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਯੂਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਦ ਪੇਪਰ ਵਰਕ, ਸੋ ਆਮ ਅਫਰੇਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵੀ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਯੂਰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸੇ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨਟ ਐਂਟਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਰ 5 ਈਅਰਸ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 5 ਸਾਲ? You cannot, sir, sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. Sir, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਸਾਲ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਹੈਲੋ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਰੀਕਾ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨੀ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਓਏ ਹੋਏ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਪਲੀਜ਼, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਤੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜਿੱਥੋਂ ਲਈ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਰਾਈਟ? ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਛੇਤੀ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਲ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ? 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। Can you understand what I'm saying? Listen to me, please. Hello, please speak with my colleague who can speak in your language. Hello, Surjeet ji. Haan ji, haan ji, bol rahe hain, bol rahe hain. Main bol rahe hain Canada embassy to. Haan ji, paaji. Sir ji, sat sri akaal. Tuhanda visa nahi laga hai. Eh keh rahe, eh munda keh rahe hai, tuhanda visa nahi laga hai. Tusi nahi ja sakde. Haan ji. Eh keh rahe hai, tuhanda visa nahi laga hai, tusi nahi ja sakde 5 saal nu. ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ।
ਫੋਨ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ।